हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल एवरीडे मील्स विद शाई। अगर से आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली मज़ेदार रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आपके पास फौरन पहुंचे। आज हम बनाने वाले हैं एक बहुत ही मज़ेदार पुडिंग। ये पुडिंग बनाएंगे हम चाइना ग्रास से विद अ ट्विस्ट। तो चलें देखते हैं कि हम इसे कैसे बनाएंगे और क्या क्या चीज़ें हम इसमें इस्तेमाल करेंगे और क्या नहीं हम करेंगे। तो चलें, तो हम बनाने वाले हैं चाइना ग्रास रूह अफ़ज़ा में। तो इसके लिए मैंने लिया है एक पैकेट चाइना ग्रास का। इस पैकेट पे लिखा है फॉर 1 लीटर मिल्क, 1 लीटर दूध में ये बनेगा। लेकिन आपको 1 लीटर दूध में ये नहीं बनाना है। अगर से आप 1 लीटर दूध में बनाएंगे तो मैं लास्ट में मैंने क्लिप ऐड की है, वो आप देख लीजिएगा आपका चाइना ग्रास कैसा बनेगा। तो यहाँ मैंने एक पैकेट तो लिया है लेकिन दूध मैं 1 लीटर नहीं लूँगी, 1.25 लीटर लूँगी, बल्कि 1.25 लीटर से भी थोड़ा कम लूँगी। अच्छा, यहाँ मैं ये चाइना ग्रास को काट रही हूँ छोटा छोटा और इसे धो के हमें भिगो देना है। तो ये मैं काट रही हूँ और अब इसे मैं धोंगी। इसे हमें एक 5 से 10 मिनट तक भिगो देना है और फिर उसके बाद में हम इसे बनाना शुरू करेंगे। तो अब मैंने यहाँ दूध ले लिया है, 1.25 लीटर दूध लिया है और इसे मैं बॉईल कर रही हूँ। और साथ ही हम जो हमने चाइना ग्रास भिगोया है उसे भी पकाना शुरू करते हैं। तो इसे हमें स्लो फ्लेम के ऊपर इतना पकाना है कि ये पूरा डिज़ोल्व हो जाए, इसमें कोई भी पार्टिकल चाइना ग्रास का नहीं दिखे, एकदम डिज़ोल्व हो जाना चाहिए, एकदम क्लियर लिक्विड हमें चाहिए है इसका। और इसे चलाते रहना है, कंटिन्यूसली हमें चलाना है और स्लो फ्लेम पे पकाना है। अब ये हो गया है तो इसे हम साइड में रख देंगे। अब यहाँ जब दूध में उबाल आने लगेगा, खूब दूध पकने लगा है, तो हम इसमें डालेंगे शक्कर। अच्छा, शक्कर हमें थोड़ा, जितने हमें मीठा चाहिए है उससे थोड़ा कम हम शक्कर डालेंगे क्योंकि हमें इसमें रूह अफ़ज़ा भी ऐड करना है। तो यहाँ मैंने शक्कर डाल दी है। शक्कर डालने के बाद में हमें इसे थोड़ा पकाना है ताकि शक्कर पूरी तरह से दूध में मिल जाए और कच्चापन भी शक्कर का ख़त्म हो जाए। अब ये पक गया है तो चूल्हे की फ्लेम को हम कर देंगे बंद और अब हम दोनों लिक्विड्स को मिक्स करेंगे। लेकिन इसे मिक्स करने के पहले हमें दोनों को थोड़ा ठंडा करना है। तो यहाँ मैंने गैस पे से उतार लिया है दोनों पतीलियाँ और अब मैं दूध को ठंडा कर रही हूँ और चाइना ग्रास भी जो है वो ठंडा करने के लिए मैंने रख दिया है। एकदम ठंडा नहीं करना है, गुनगुना हो। अब जब हम देखेंगे कि हमारा दूध इतना है कि हम हाथ लगा सकते हैं पतीली को, तो दूध को और चाइना ग्रास का जो लिक्विड है उसे हम मिक्स कर लेंगे। ये याद रखिए कि हमें गर्म दूध में मिक्स नहीं करना है और पकाना तो बिल्कुल नहीं है मिक्स करने पे, हो सकता है कि आपका दूध फट जाए। और रूह अफ़ज़ा यहाँ मैं अब डालने जा रही हूँ, तो रूह अफ़ज़ा भी जब आप दूध में डालें तो गर्म दूध में बिल्कुल नहीं डालें, ठंडा करने के बाद ही डालें दूध में, वरना दूध फट जाएगा। तो अब मैं यहाँ रूह अफ़ज़ा डाल रही हूँ। मैंने 3 चमचे डाले हैं रूह अफ़ज़ा के, आपको जितना डालना है उतना डालिए और इसे खूब अच्छे से मिक्स कर लीजिए। आपको अगर से कोई और सिरप के साथ में बनाना है तो आप वो भी कर सकते हैं, जैसे ऑरेंज सिरप है या चॉकलेट सिरप है, उसके साथ भी आप इसे बना सकते हैं। मेथड सेम यही रहेगा,
लेकिन आपका सिर्फ आप चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ मैंने एक मोल्ड ले लिया है जिसमें मुझे सेट करना है चाइना ग्रास को, और उसके अंदर अब मैं ये रूह अफ़ज़ा डालूँगी। रूह अफ़ज़ा डालने के बाद में हमें इसे इसके ऊपर एक चमचा जो हमने चाइना ग्रास का लिक्विड बनाया था वो एक चमचा फैला के डाल देना है, और फिर उसे फ्रिज में एक 2-3 मिनट के लिए आप रखिए ताकि वो सेट हो जाए। अब ये सेट हो गया है तो इसमें हम ये जो लिक्विड हमने रेडी किया है चाइना ग्रास का वो डालेंगे, और हमें बहुत हल्के हाथ से डालना है, एकदम से नहीं डाल देना है। आप बीच में स्पून एक लगा लीजिए ताकि उसका फोर्स जो है वो कट हो जाए, और इस तरह से आप इसको सेट करिए। अब ये थोड़ा और बचा है तो ये मैं एक छोटे प्याले में सेट करूँगी। अब ये प्याले में भी हमें उसी तरह से रूह अफ़ज़ा डालने के बाद में थोड़ा सा लिक्विड डालना है चाइना ग्रास का, और फिर ये जो मिक्सचर हमने रेडी किया है वो डालना है, और फिर हम इसे सेट करने के लिए रख देंगे। और जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा तो फ्रिज में रख देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। अब ये बहुत अच्छी तरह से सेट हो गया है तो इसे हम निकालते हैं। ये देखिए ये कितना अच्छा सेट हुआ है, और अब हम देखते हैं कि प्याले वाला कैसा सेट हुआ है। ये हमारा रूह अफ़ज़ा चाइना ग्रास पुडिंग, इसे कह सकते हैं, वो रेडी है। आप इसे किसी भी तरह से बना सकते हैं, चॉकलेट सिरप से या ऑरेंज सिरप से, जैसे आप चाहें वैसे बनाएं, जो फ्लेवर आपको पसंद है उस फ्लेवर से आप ये बना सकते हैं। और ये बहुत अच्छा एकदम फर्म और सॉफ्ट सेट हुआ है, और खाने में भी बहुत टेस्टी है। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी रेसिपीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और अब मैं आपको वो क्लिप दिखाती हूँ जो मैंने 1 लीटर दूध के साथ में बनाई थी। तो जो छोटे प्याले में बनाई थी वो तो हो गया था सेट, लेकिन एकदम फर्म सेट नहीं हुआ था, वो भी थोड़ा हल्का था सेटिंग उसकी। और जो ये मैंने बड़ा सा लोफ जैसा बनाया था वो तो बिल्कुल ही सेट नहीं हुआ था, देख लीजिए आप। अब ये देखिए कि जैसे ही मैं ये मोल्ड को हटाऊंगी तो पूरा का पूरा चाइना ग्रास जो है वो बिखरने लगेगा, बिल्कुल भी ये सेट नहीं हुआ। और थोड़ी देर बाद तो ये पूरी तरह से ही बिखर गया था, लेकिन जो छोटा वाला है वो क्योंकि छोटा प्याला भी है, छोटी क्वांटिटी है, तो वो सेट हो गया था, लेकिन वो भी एकदम फर्म सेट नहीं हुआ था। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी विद डूज़ एंड डोंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।